आज मैं पार्ट टू की वीडियो लेके आई हूँ। इस जैकेट की पार्ट टू की वीडियो लेके आई हूँ। पार्ट वन में मैंने आपको बॉर्डर और डिजाइन डालना बताया था। पार्ट टू में हम आपको ये देखिए, मैंने यहाँ पर 130 फंदे डाल के फ्रंट बैक दोनों फ्रंट और बैक इकट्ठा मैंने बना है। तो अब हम 138 फंदों को ये ऊपर से डिवाइड करके आर्म होल की कटिंग करना आपको बताएंगे कि हम किस तरह से करेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है, इसको हम इस तरह से करेंगे। तो इसकी मैं आपको सेफ दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से देखिए, हमारी जैकेट की ये शेप बन के आई है। तो अब हमने क्या करना, हम आपको दिखा देती हूँ मैंने ये पैटर्न कितना बनाया है। ये यहाँ पर देखिए, मैंने 8 इंच की इसकी लंबाई नीचे वाले डिजाइन की बनाई है। 8 इंच बनाने के बाद अब हमने क्या करना, अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग करना आपको बताएंगे यहाँ से। तो किस तरह से करेंगे, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये किस तरह से इन 138 फंदों को हमने इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने तो ये देखिए यहाँ पर टोटल स्टिच लिए मैंने 138 लेके बैक के मैंने रखे 64 फंदे, 64 रख के राइट पार्ट के 37 और लेफ्ट पार्ट के भी 37। तो यहाँ पर देखिए 64 बैक के हैं, राइट बैक के हम ये हमारे राइट और लेफ्ट के हैं 37 37। तो टोटल 138 फंदे हमारे बन गए हैं। तो इस तरह से मैंने इनको डिवाइड किया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने ये देखिए यहाँ पर राइट आगे वाले पार्ट के ये मैंने यहाँ पर देखिए 37 फंदे लेके मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्कर से निशान लगा लिया है। और यहाँ से यहाँ तक देखिए 64 फंदे बैक के हैं और फिर से ये आगे के पार्ट वाले यहाँ पर ये 37 फंदे में फिर से मार्क का निशान दिया। तो अब धागा हमारा इस तरफ है, तो यहाँ से हम ये तो जो हमारे ये आगे वाले हमारे 37 फंदे पर ये अगले वाले पार्ट के निशान लगवा हुआ है, यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं, तो हम इसे बटन पट्टी वाले फंदे ये साथ हम पहले उल्टे बनाएंगे। तो ये 7 फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे हम, और अब जो ये बाकी फंदे हैं इनको पहले हम यहाँ पर एंड तक बना लेते हैं सीधा सीधा। ये यहाँ पर 4 फंदे रहने तक हम इसे बनाएंगे।
तो ये लास्ट में ये हमारे चार फंदे बचे हैं, तो यहाँ पर हम इनको दो का एक कर लेंगे, यानी कि हम दो फंदे यहाँ पर कम करेंगे। यहाँ पर देखिए दो का एक इस तरह से, फिर से हम यहाँ पर यहाँ तक हम फिर से दो का एक करेंगे इस तरह से। इस मार्कर को हटा देंगे यहाँ पर। ये हमने यहाँ पर दो फंदे कम किए हैं। कम करने के बाद आगे उल्टी साइड से हम पूरी रो को उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। इसमें न कोई फंदा हम घटाएंगे न ही बढ़ाएंगे। तो मैं उल्टी साइड से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से उल्टे उल्टे मैंने बना के पूरी रो को कंप्लीट कर लिया। अब आएंगे हम सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से हमने क्या करना है, सीधी साइड से हम यहाँ तक फिर से हम बटन पट्टी वाले उल्टे फंदे बनाएंगे। बाकी हम सीधे सीधे बना के लास्ट के दो फंदे रहने तक हम यहाँ पर बुन लेते हैं। तो ये देखिए सिलाई को ही मैंने सीधा सीधा बनाया है। लास्ट के दो फंदे रहेंगे तो फिर से हम यहाँ पर आर्म होल की कटिंग के लिए दो का एक करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमने पहली सिलाई में इकट्ठे दो फंदे किए थे, अब की बार एक फंदा किया। ये दो बार मैंने यहाँ पर फंदों को घटाया। अब आ गई है उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ पूरी सिलाई को। तो ये देखिए उल्टी साइड से पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बनाया है। लास्ट के किनारे वाले फंदे को मैं हर बार सीधा बनाएंगे ताकि यहाँ किनारे से फिनिशिंग आए। तो अब आ गए हैं सीधी साइड की तरफ। सीधी साइड से फिर से ध्यान से देखिए, ये हम बटन पट्टी वाले फंदों को उल्टा बनाएंगे और यहाँ तक हम दो फंदे रहने तक इन फंदों को बीच वालों को सीधा बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ सीधी साइड से भी। तो ये देखिए सीधी साइड से दो फंदे रहे हैं लास्ट में, तो इनको फिर से हम यहाँ पर दो का एक कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने चौथी बार फंदा घटाया है। पहले दो का एक किया, फिर एक, फिर एक, तो ये मेरे टोटल चार फंदे कम हुए यहाँ से कटिंग के लिए। तो चार तीन फंदे और मैं हर सिलाई में एक एक करते हुए यहाँ पर कम कर लूंगी। तो मैं ये इसी तरह से जैसे यहाँ पर हर सीधी सिलाई में यहाँ पर मैंने दो का एक किया है, तो इसी तरह से मैं कम कर लेती हूँ टोटल सात फंदों को। चार मेरे हो गए हैं, पांच छह सात, तीन बार और मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे मैं किस तरह से बनाऊंगी। देखिए यहाँ से मैंने आर्म होल की कटिंग यहाँ तक कर ली है। तो मैंने किस तरह से की है मैं एक बार आपको अच्छी तरह से बता देती हूँ। तो यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से जैसे यहाँ से मैंने दो का एक किया, फिर मैंने एक, फिर एक, फिर एक, पांच टाइम मैंने एक एक की। तो यहाँ से इस तरह से ये मेरी सेफ है, इस तरह से ये सेफ है। सेफ मैंने यहाँ पर पहले दो का एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, यानी कि एक दो तीन चार पांच, पांच टाइम मैंने एक एक की कटिंग की है। स्टार्टिंग में मैंने दो फंदों की इकट्ठी कटिंग की है, यानी कि दो फंदे इकट्ठे कम किए थे मैंने। तो इस तरह से मैंने आर्म होल की कटिंग की है। यहां तक बना के मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर ऐसे ही बना है। यहां तक मैंने इसकी कटिंग करके मैं बता देती हूँ अच्छी तरह से, यानी कि यहां तक मैंने कटिंग करके इसको यहां से यहां तक फिर मैंने थोड़ा सा और बनाया है ऐसे। तो मैं इसकी लेंथ को बता देती हूँ मैंने कितना बनाया है इसको यहां से यहां तक। टोटल लेंथ हमारी यहां से यहां तक देखिए 12 इंच, 12 इंच तक मेरी ये लेंथ यहां से यहां तक बनी है। देखिए बिल्कुल क्लियर से दिखा देती हूँ, 12 इंच मेरी ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक बनी है। 12 इंच तक बनाने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग भी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से करूंगी। तो यहाँ पर पहले हम
ये बटन पट्टी वाले फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे सातों फंदों को। तो यहाँ पर पहले फंदे को उतार के तो यहां पर इस फंदे को उल्टा बना के जो पीछे वाला फंदा है ये वाला, इसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर से अगला फंदा बनाऊंगी, फिर से इस पिछले वाले को इसके ऊपर से ऐसे उतार दूंगी, फिर से ऐसे अगला फंदा उल्टा, फिर से यानी कि बटन पट्टी के जो सात फंदे हैं, सातों फंदों को हम इसी तरह से बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो यहां से हम अपने गले की कटिंग करेंगे ताकि हुडी लगे। यहां पर ऊपर से कैप हम यहां से एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने सातों फंदों को यहां पर देखिए बाइंड ऑफ कर लिया। सात फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद धागा पीछे कर लेते हैं हम और इनको यहां पर बाकी फंदों को पूरी रो को सीधी तरफ से अब मैं ये सीधा सीधा बनाऊंगी और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा, तब मैं यहाँ सीधी साइड आऊंगी, फिर से बताऊंगी कि कटिंग आगे मैं किस तरह से करूंगी। तो ये बटन पट्टी वाले बाइंड ऑफ करने के बाद अब सीधी साइड में आ गए हैं। दोबारा से यहाँ से सीधा बना, यहाँ से उल्टा बना, फिर से आ गए हैं हम इधरली साइड सीधी साइड की तरफ। तो अब की बार हमने यहाँ पर देखिए सीधा यहाँ पर इस फंदे को उतार के धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर दो फंदे हम इकट्ठे दो का एक करेंगे। तो हम इसके ऊपर से ऐसे उतारेंगे, फिर से एक और फंदा लेंगे हम, फिर से पीछे वाले ने इसके ऊपर से उतारेंगे। तो दो फिर से मैंने उतारे, तो आगे फिर से हम इसे सीधा सीधा बनाएंगे। तो मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ सीधी साइड से, फिर उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना के फिर से सीधी साइड आके आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहां तक बना लिया है, देखिए मैंने यहां तक बना लिया है। अब हम आगे किस तरह से बताएंगे मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ऊपर तक कटिंग करना कैलकुलेशन करना बता देती हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए ये यहां पर मैंने सात फंदे बटन पट्टी वाले कम किए थे, ये वाले यहाँ पर बटन पट्टी वाले कम किए थे, आगे फिर दो किए, फिर अब हम चार टाइम यहाँ पर एक एक कम करेंगे हर सीधी सिलाई में, फिर इतना होने के बाद ये कम हो जाएंगे। तो यहाँ मेरे टोटल 17 फंदे बचेंगे, 17 फंदे बना रहने के बाद हम इसको बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो मैं यहाँ तक बना के बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से हम बनाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसकी गले की कटिंग कर ली है, गले की कटिंग मैंने आपको बताई थी मैंने किस तरह से की है, फिर से एक बार मैं बता देती हूँ। यहाँ पर पहले मैंने यहाँ पर 6 फंदे फिर दो, एक 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 करके मैंने यहाँ से इसकी कटिंग करके टोटल मेरे 17 फंदे ऊपर बचे हैं। 17 फंदे बचने तक मैंने इसकी कटिंग करके फिर बाइंड ऑफ कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरी ये वीडियो पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नए नेक्स्ट पार्ट के साथ।